मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा कि ईद का त्योहार सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व अन्य त्योहार जिस शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के साथ मनाएंगे उसी प्रकार का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईद के अवसर पर पर्याप्त साफ सफाई, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। समस्त अधिशासी अधिकारी साफ सफाई, पानी आदि की पूर्ण व्यवस्था कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ की जनता आपसी प्रेम व भाईचारे में अटूट विश्वास रखती है। आने वाले त्योहारों में भी यहाँ के नागरिक एकता व सूझबूझ का परिचय देंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। आज जिला स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें बकरीद मुख्य फोकस में था, सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था, सभी से वार्ता हुई है। डीएम साहब की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हम लोगों ने इसमें जितने भी पॉइंट्स थे पब्लिक के उनको लिए, कोई भी समस्या जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से है उन सभी चीज़ों पर जिक्र किया गया। जो शासन की मंशा है उससे अवगत कराया गया। नमाज सड़क पर नहीं होनी है, इन सब के लिए सब लोग अग्रीड हैं और पहले से भी यहाँ पर बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से बहुत ही अच्छी तरीके से नमाज इस शहर में अदा की जाती है। तो नमाज को सकुशल संपन्न करवाना और 3 दिन जो कुर्बानी चलती है उसको सकुशल संपन्न करवाना, शहर में शांति बनी रहे, शहर में साफ़ सफाई और सभी चीज़ें रहें, इन्हीं सब चर्चाओं पे इन्हीं विषयों पे चर्चा हुई है और सभी का बहुत ही सफल चर्चा हुई है। सोशल मीडिया को लेकर हिदायतें दी गई हैं। सोशल मीडिया को लेकर के अभी एक विषय उठाया गया था पब्लिक के द्वारा भी और हम लोग इस बात से एग्री करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ नए नौजवान लड़के हैं जो बहुत ही गैर जिम्मेदारान तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, उन सब पोस्ट के लिए हम लोग सोशल मीडिया वॉलंटियर्स पहले से हमारे यूपी पुलिस के प्रचलन में है, उसको सुदृढ़ करने की इस बार हम लोगों ने बात की है। स्पेशली बकरीद और आने वाले आगामी कांवड़ के मद्देनज़र सोशल मीडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए सोशल मीडिया की पूरी एक मॉनिटरिंग की एक वॉलंटियर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें सभी वॉलंटियर्स ये देखेंगे सोशल मीडिया पे कोई भी गलत मैसेज, किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, किसी प्रकार का जातीय उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग पब्लिक से ही उनके ग्रुप्स में ऐड होंगे। जितने भी ग्रुप में गलत स्तर के मैसेजेस पढ़ रहे हैं उन सबको निकलवाया जाएगा, उन सबके खिलाफ मुकदमा लिखने के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। ये 20 कमेटी होती है बकरा ईद का और आगामी त्यौहार जो आने वाली है इसके संबंध में आज दोनों समुदाय के अन्य समुदाय लोगों को बुलाया गया था, अधिकारीगण के साथ मीटिंग किया गया। जो बकरा ईद है शांतिपूर्वक बने और इसके तहत जो व्यवस्था है जो साफ सफाई हो, पानी की हो और बिजली की हो, अन्य व्यवस्था सुदृढ़ रहे और इसके साथ ताकि जो भी है त्यौहार बिना कोई इशू के संपन्न हो और शांति में शांति व्यवस्था बना रहे। इसी के तहत आज दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया था, अधिकारियों से वार्ता की गई और उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए बोला था, क्या क्या समस्या है सुझाव भी है उन्होंने रखा है। एंड आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में त्यौहार को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। थैंक यू सर। एक दूसरी बाय टकर